हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम बात करने जा रहे हैं PGT के बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। ओके, प्रवक्ता जीव विज्ञान परीक्षा का पूरा सिलेबस हम बात करेंगे। और यार, अगर आपको सिलेबस पता है तो पढ़ने में भी आसानी होगी। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप हमें कमेंट यहाँ पे, तो फिलहाल मैं आपको सिलेबस बता ही दे रही हूँ। अगर हाँ, आपको अगर क्लासेस की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस हिसाब से मैं कमेंट देखूँगी, जिस हिसाब से मतलब लोगों को ज़रूरत होगी, उसी हिसाब से मैं क्लासेस भी रन करवाऊँगी। ओके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लासेस रन करवानी है या नहीं करवानी। ओके, तो भूलिएगा मत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस की। आपकी जो प्रवक्ता जीव विज्ञान की परीक्षा है, जो परीक्षा होने वाली है, उसका पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। ओके, कि आपका सिलेबस क्या हो सकता है, क्या होगा। एंड यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई, जूलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते क्या हैं, इट मीन्स जूलॉजी का सिलेबस देखते हैं। ओके, जूलॉजी का आपके बायोलॉजी में फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम देखते हैं जूलॉजी का सिलेबस। तो जूलॉजी में क्या है भाई, नॉन कोर डेटा। नॉन कोर डेटा मीन्स समझते हो? ओके, नॉन कोर डेटा मतलब जैसे आपके प्रोटोजोअन हो गए, लाइक दैट प्रोटोजो, मतलब जिसमें प्रोटोजोअन, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेलमिंथस। मैं आपको इन वन वर्ड अगर बताऊं, बात करूं, तो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्ड डेटा बोलते हैं। सिंपल सी बातें हैं यार। मैं जब क्लासेस रन करवाऊंगी, आप बताइएगा, उसमें सारी चीज़ें होंगी, सारी बातें करूंगी, सारी क्लासेस होंगी प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे तो हम सिलेबस देख रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आपको नॉन कॉर्ड डेटा में क्या क्या पढ़ना है, प्रोटोजोअन्स पढ़ना है, पोरीफेरा पढ़ना है, सिलेंटेटा पढ़ना है, प्लेटीहेलमिंथस पढ़ना है, एस्केहेलमिंथस पढ़ना है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा पढ़ना है। ओके, यहाँ पे आप क्या पढ़ लोगे प्रोटोजोन्स में, लाइक दैट अमीबा, यूग्लिना, पैरामीसियम, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटोजोन्स में आ जाएंगे। एंड पोरीफेरा में आपको क्या पढ़ना है, साइकॉन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सिलेंट्रेटा में ओबिला वगैरह, मतलब सिलेंट्रेटा जैसे हो गया, इसमें आप पढ़ लीजिएगा ओविलिया वगैरह की पूरी लाइफ साइकिल, ये सारी चीज़ें। वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। एनिलिडा पढ़ लीजिएगा, एनिलिडा में आपको लीच मिलेगा। आर्थ्रोपोडा में आपको प्रॉन मिलेगा। मोलस्का में आपको पाइला मिलेगा, स्नेल जिसे आप बोलते हैं, स्नेल समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे मिलता है ना, हाँ स्नेल बोलते हैं उसे। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इकाइनोडर्मेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। ओके, तो देखिएगा और बताइएगा कि अगर क्लासेस रन करवानी होगी। कॉर्डेटा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कॉर्डेटा। अच्छा, नॉन कॉर्डेटा आपको समझ में आया कि जिसमें स्पाइनल कॉर्ड ना हो, तो ऑब्वियसली उसी का उल्टा होगा कॉर्डेटा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड देखने के लिए मिलता होगा। यहाँ पे आप यही सारी चीज़ देख के समझ जाओगे, यहाँ पे आपको प्रोटोकॉर्डेटा देखने के लिए मिल रहा है। पाइसेस, एम्फीविया, एम्फीविया में स्पाइनल कॉर्ड मिलता है? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। एम्फीबिया आपका क्या होता है, मेंढक होता है। ये सारी चीज़ें तो फिलहाल आपको पता है, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, तभी आप PGT का मतलब सिलेबस देख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया। ओके, तो ये फिलहाल तो यहाँ पे हम सिलेबस ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी में भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, यहाँ पे कॉमन कॉमन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। एनिमल टिश्यू एंड स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। बहुत ज़्यादा कुछ एनिमल फिजियोलॉजी में आता ही नहीं है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भाई, एनिमल फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। और यही इतनी दूर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, सो यार प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा। ओके, एंड यहाँ पे साइटोलॉजी कम्प्लीटली सिलेबस पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हाँ मानती हूँ कि भाई थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा लोगों को टफ लगता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि भाई अगर आप टफ मान के चलते हो तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड यहाँ पे इकोलॉजी, इवोल्यूशन, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एंड यहाँ पे जेनेटिक्स, हाँ मानती हूँ जेनेटिक्स का इशू हो जाता है लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप टफ मान के चलोगे तो टफ होगा, अदरवाइज तो आपके पढ़ने के ऊपर है। आप अगर इजी मान के चलते हो तो ऑब्वियसली इजी होगा। आप मेरे साथ एक बार पढ़ के देखिए। वैसे तो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल को विजिट करिए, आपको जेनेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। हाँ, आप एक बार मेरे साथ पढ़ के देखिए, आपको डेफिनेटली ईजी लगेगा। ओके,
आप एक बार पढ़ के देखिए, इजी लगेगा आपको। एंड यहाँ पे इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है। अब हम आते हैं बॉटनी पे, देख लेते हैं बॉटनी में क्या कुछ चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशंस पढ़ना है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस तो भाई ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट, ये जान है इसकी, ओके। एंड यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, मतलब फंजाई, एल्गी एंड लाइकेन, ये सारी चीज़ें भी आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे उसके बाद जैसा कि आपको पता है आएगा ही क्या, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आप ना यहाँ जैसे आप बॉटनी स्टार्ट करते हो, तो भाई एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़िएगा, मतलब कि स्टेप टू स्टेप पढ़िएगा, ओके। ये नहीं कि मतलब कभी आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हो, देन टेरिडोफाइटा पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हो, नहीं सॉरी, ये तो मैंने क्रम से पहले ही बता दिया, मतलब आप टेरिडोफाइटा पढ़ते हो, फिर ब्रायोफाइटा जाके पढ़ते हो, फिर जिम्नोस्पर्म आके पढ़ते हो, देन यहाँ पे आके क्लासिफिकेशंस पढ़ते हो, एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हो, तो ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी वो भी मतलब उसी में हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा यार। इसलिए मैं हमेशा और हमेशा बोलती हूँ कि भाई स्टेप टू स्टेप पढ़िए, बातें क्लियर रहेंगी हमेशा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट थिंग तो क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी पढ़िएगा, ओके, जैसे क्रम से दिया गया भाई वैसे पढ़िएगा, जैसे मैं बता रही हूँ, ओके। एंड ब्रायोफाइट्स पढ़िएगा, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे आपको एंजियोस्पर्म में क्या पढ़ना है, टैक्सोनॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इतना आपको एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। एंड यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ लेना है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ लेना है, सेलुलर रिस्पायरेशन, फाइटोहार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स आपको पढ़ लेना है, न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट्स पढ़ लेना है, ट्रांसपायरेशंस पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑस्मोटिक रिलेशंस पढ़ लेना है, प्लांट मूवमेंट एंड फोटो पेरियोडिज्म पढ़ लेना है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आप पढ़िएगा। हाँ मानती हूँ डीप में आएंगी चीज़ें, तो यार पढ़िएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो मतलब लेक्चर में स्टार्ट करूँ या नहीं, आपको लेक्चर चाहिए या नहीं, जिस हिसाब से आप बोलोगे उसी हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। आप बोलोगे तो वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा, लेक्चर ज़रूर चलाया जाएगा, क्लासेस ज़रूर रन की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोज़ तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।